श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्रवण कंठ हाथ पांव के भूषण शोभित अपार, एक भूषण नकश कई रंग रूह कहा करे दिल विचार। रूह कहा करे दिल विचार। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री श्यामा जी के अंगों का उससे अंगों से भी अधिक तो उनके वस्त्र और आभूषणों का श्रृंगार का वर्णन चल रहा है, तो उसमें कहते हैं नेक श्रृंगार कया इन जुवा क्यों वर्णवाए ए सुख। जो श्रृंगार है उसमें से थोड़ा सा वर्णन किया है, किंतु उससे जो अनुभव होता है सुख का, तो उसका वर्णन कैसे करें। ए शोभा न आवे शब्द में, तो ये शोभा शब्दों के द्वारा व्यक्त करने वाले नहीं है, आत्मा अनुभव कर सकती है। फिर भी नेक कया वास्ते रूहों के, ब्रह्मा आत्माओं के लिए थोड़ा सा कहा है, थोड़ा कहा है वो ब्रह्मा आत्माओं के लिए। मीठी जुवा स्वरबान मुख बोलत लिए अति प्रेम। मीठी जुवा, इनके वचन बड़ी मीठी है, उनके स्वर बान मुख, मुँह से जो वचन निकलते वो स्वर है, बहुत ही मीठी है। बोलत लिए अति प्रेम, बोलती है तो बड़े प्रेम से, तो रस उसमें से निकल रहा हो ना, तो इस प्रकार की वाणी होती है। पीयूषों बातें मुख हंसे, पीयू के साथ बात करते हुए मुस्कुराते हुए बात करती है। लिए करे मर्यादा नेम, तो साथ साथ में मर्यादा रख करके कि धामधनी इतना मान देते हैं, ऐसा तो धामधनी श्यामा जी को इतना मान देते मानो सिर पर बैठाना चाहते हो ना उस प्रकार से, किंतु श्यामा जी धामधनी के प्रति उतना भाव रखती है, उनके प्रति उतना उस वो उतना और सम्मान देती है, तो उस प्रकार का भाव होता है। दुनिया में क्या होता है कि हमें मान मिलता है तो फिर हम मर्यादाओं को भूल जाते हैं। अब यहाँ ये समझा रहे हैं कि लिए करे मर्यादा नियम, मर्यादा नियम वो पूरा पूरा उसका पूरा ध्यान रखती हैं, इतना मान मिलने पर भी उनको कभी उसका ऐसा नहीं होता अहंकार कि मुझे धामधनी इतना मान दे रहे हैं, तो मेरा धामधनी के प्रति क्या कर्तव्य है, तो सब ब्रह्मात्माओं के प्रति क्या कर्तव्य है, उसको पूरा पूरा ध्यान रखती है। तो ये हम लोगों को भी सीखने की होती है, तो हम लोग कई बार ऐसा समझ नहीं पाते हैं तो फिर दुखी होते हैं। सामी सैन देत सुख चैन की, उत्पन्न अंग अतंत, तो सामने उसको जो आनंद आता है तो आनंद उसके संकेत से हाव भाव से ही वो प्रकट होता है। उत्पन्न अंग अतंत, उनसे अंग से ही तो उनको जो आनंद मिल रहा है तो वो अपने आप ही प्रकट होता है। कोमल हृदय अति विचार, क्यों कहो नरमाई से पत, हृदय इतना कोमल है तो उस हिसाब से वो विचार करती है, किसी भी विचार में कोमलता रहती है, तो क्यों कहो नरमाई से पत, तो उनकी महिमा, उनकी कोमलता विनम्रता, अब यहाँ वो समझना चाहिए, या नरमाई कहने से विनम्रता समझना होगा, उनकी विनम्रता, उनकी कोमलता करुणता, तो उसकी महिमा का गायन नहीं हो सकता है। चातुरी गति की, क्यों कहूँ सब बोले चाले शुद्ध होते, गति की चातुरी, वो चलती फिरती है तो उनकी गति में कितनी कितना चातुरी है, कितनी समझदारी है, तो उसकी भी बात क्या कर सकते हैं। सब बोले चाले शुद्ध होता,
वो बोली चाली से ही सब समझ में आ जाती है, वो कैसे बोल रही है और किस प्रकार चल रही है उसी से पता चल जाता है। अवल इश्क सब खुशियाँ हक के अंग की ज्योत, सबसे पहले तो उनके अंदर खूबियाँ हैं तो वो प्रेम है, तो वही सबसे बड़ी विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता ही प्रेम होती है। हक के अंग की ज्योत, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग की ज्योति है, उनका ही नूर, उनका प्रकाश है, उस प्रकार से उनका ही अंश है। मुख मीठी अति रसना चुभ रहे तरुह के माहे, तो उनके मुंह से निकलने वाली वाणी है परमात्माओं के हृदय में हमेशा अंकित होती है, तो उसको स्पर्श करती है। सो जाने रूहें अरश के न आवे कहने में कहें, तो परमधाम की आत्माएं इस बात को समझती है, ये शब्दों के द्वारा व्यक्त होने वाली बात नहीं है। क्यों कहूँ गति चलन की जो श्यामा जी पाँव भरत, श्यामा जी एक एक कदम आगे बढ़ाती है तो उस चाल को भी उस देखने जैसी होती है, उसके लिए क्या बताएं। ना ही निमुनायन का जो गति श्यामा जी चलत, जिस गति से श्यामा जी चलती है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, वो तो वही कर सकती है। ब्रह्मा आत्माएं तो उनसे सीख करके उसके हिसाब से चलती है, उनको देख करके। बल बल जाऊं चाल गति की भूषण तेज करे झलकार, तो इनकी चाल गति इसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं उस समय उनके आभूषण, तो वो उनसे वो भी उन वो आभूषण भी चमकते हैं, उनका प्रकाश भी चारों तरफ फैलता है। गिरद वाय मिला वारूहन का सब शोभा साज श्रृंगार, तो उनकी शोभा और श्रृंगार सज्जा के लिए चारों तरफ ब्रह्मा आत्माएं मिल करके उनको सजाती है, तो वो तो स्वयं ही सज सकती है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परमधाम में तो जो चाहें उस प्रकार हो जाता है, जैसा चाहेंगे उस प्रकार की शोभा स्वाभाविक रूप से बन जाती है। फिर भी ब्रह्मा आत्माओं को होता है हम कुछ सेवा करें, इसलिए वो श्यामा जी के श्रृंगार में तो चारों तरफ वो बैठ करके करती है। तो इस तरह से कभी अब हमेशा तो चार सखियाँ श्री राज्य की सेवा में होती है, और चार सखियाँ तो इधर श्यामा जी की सेवा में होती है श्रृंगार के समय पर। तो इस तरह से अलग अलग समय में अलग अलग सखियों की ड्यूटी होती है, तो कभी बहुत ज़्यादा सखियाँ श्यामा जी के पास में आई हो और उनके साथ में आकर के कोई श्रृंगार कर रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई सहयोग कर रही है, तो ऐसे हो तो वहाँ से श्रृंगार साज करके फिर वो राज्य के दर्शन के लिए जाती है। शोभा बड़ी सब रूहों की सब के वस्त्र भूषण, तो ये ब्रह्मात्माओं की शोभा भी बहुत बड़ी है, सबके वस्त्र आभूषण वो भी बड़े सुंदर होते हैं। ज्योतन माया आकाश में यों घेर चली रोशनी, तो वो ब्रह्मात्माएं भी चलती है तो उनका उनके शरीर में से निकलने वाला प्रकाश है उसकी ज्योति भी आकाश में समाता नहीं है, समाती नहीं है, तो इतनी ज़्यादा चमक है, किंतु वो चमक चुभने वाली नहीं होती है। जैसे यहाँ अभी हम लोग बैठे हैं तो ये चारों तरफ से लाइट वगैरह हैं तो ठीक प्रकाश लगता है, किंतु लाइट के तरफ देखते हैं तो ज़्यादा देर नहीं देख सकते, ये तो फिर भी ये शीतल लाइट है, ठंडी लाइट बोलते हैं इनको, इसको क्या बोलते हैं, कूल लाइट ना, तो ये ठंडी वाली होती है, लेकिन दूसरी होती है तो उनमें से गर्मी पैदा होती है, तो वो तो और देख नहीं सकते, तो ये भी नहीं देख सकते कूल भी, किंतु इतने ज़्यादा प्रकाश होने पर भी तो परमधाम का प्रकाश ऐसा है कितना भी देखें तो उसमें कुछ ऐसा वो होता नहीं है, अच्छा लगता है प्रकाश ज़्यादा है ये पता चलता है, लेकिन तो आँखों को नुकसान पहुँचाने वाला अथवा देखने में कठिनाई आ जाए ऐसा नहीं होता। अर्श मिला वाले चली अपने संग सुभान, किया चाया सब दिल का आगो आए लिए मेहरबान, तो ये चौपाई काफ़ी महत्व की मानी जाती है।
तो कहते हैं श्यामा जी के पास में इतनी सुंदर सात इतनी ब्रह्म आत्माएं वहाँ आई हुई होती है ना, उन साहब को लेकर के श्यामा जी श्री राज्य के दर्शन के ले जाती है। तो अर्श मिलावा ले चली, श्री राज्य से मिलने के लिए परम धाम में सबको लेकर के मिलावा लेकर के पूरी बैठक ब्रह्मात्माओं के पूरे समूह को लेकर के वो चलती है परम धाम के समूह को। हाँ, परम धाम के समूह को लेकर के श्यामा जी आगे बढ़ती है तो कहाँ जाती है, अपने संग सुभान, अपने सुभान से मिलने के लिए स्वामी जी श्री राज्य के दर्शन के लिए जाती है। श्रृंगार करने के बाद में तो श्यामा जी का श्रृंगार होता है तीसरी भूमिका में, तो श्यामा जी वहाँ श्रृंगार के बाद में फिर वहाँ से लेकर के इधर आती है, अब सबको लेकर के अक्षराति धाम धनि से मिलने के लिए तो तीसरी भूमिका में आती है। तो वो सीढ़ी चढ़ कर के आना पड़ता है ना, तो अब वो सबको लेकर के श्यामा जी आ रही है तो राज्य को पता तो होता ही है, तो उनके भाव को समझ करके तो सबको लेकर के चलो अब सारे मिल करके सब आई है श्यामा जी के पास में। तो श्यामा जी सबको बता रही है कि चलो अपने सब मिल करके अपने चलते हैं अब राज्य के दर्शन के लिए। तो ऐसे करके वहाँ से निकलती है। तो अब वो कक्ष भी काफ़ी बड़ा होता है, छोटा कक्ष तो है नहीं, तो ब्रह्मात्माएं तो बहुत वहाँ समा ही सकती है। तो उनको लेकर के वो आती है तो राज्य पहले से भाव समझते हैं। तो फिर तो उनको वो राज्य तो वहाँ से जहाँ राज्य का श्रृंगार तो वो किस बोलते हैं, चौकी बोलते हैं ना उसको, क्या दूसरा नाम है, हाँ तो वहीं वो होता है। तो वहाँ से उनको लेने के लिए जाते हैं तो आगे उस तक, हाँ तो वो चबूतरा से उस सीढ़ी तक वो लेने जाते हैं कि चलो आओ, तो ऐसा करके ना। तो किया चाया सब दिल का चाया सब किया, जैसे ब्रह्मात्मा और श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं के भाव को समझ करके तो वो श्री राज्य आगो आए लिए मेहरबान, आगे आकर के धाम धनी कृपालु हैं तो आगे आकर के तो श्यामा जी को वहाँ से मनो हाथ पकड़ करके ऊपर ले लेते हो ना, तो उस प्रकार से तो वहाँ से उनका वो स्वागत करते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि आओ आओ बोल करके ना, तो उनको तो लेते हैं। तो ये एक भावपूर्ण वचन है, ये शोभा जुगल किशोर की चौथा सागर सुख, ये जुगल किशोर की ये शोभा है। तो श्री राज्य श्यामा जी को मान देते हैं, श्यामा जी श्री राज्य को मान देती है, तो पूरा पूरा तो श्यामा जी तो हमेशा श्री राज्य को देती ही है, तो राज्य श्यामा जी को देते हैं तो भी तो उनको लगता है, उनको ये लगता ही नहीं है कि मुझे मान मिल रहा है और मुझे ये उसमें कुछ उसमें क्या बोलते हैं उसको तो गर्व होना चाहिए, तो ऐसा नहीं, उतनी ही विनम्रता और उतनी ही मृदुता है। तो ये शोभा है ये जुगल किशोर की है, तो ये चौथा सागर है। जो हक तो हे हिम्मत देव ही तो पी प्याले हो सन्मुख, यदि अक्षराते धाम धने आपको साहस देते हैं हिम्मत देते हैं तो इस सागर के रस को पी लो। युगल के सुख केते कहूँ जो देत खिलवत करहेत, तो युगल स्वरूप के युगल किशोर के सुख की बात कितने कहें, जो देत खिलवत करहेत तो वो ब्रह्मात्माओं को कितने खिलवत का तात्पर्य, तो एक वो ब्रह्मात्माएं भी होती है, एकांत भी होता है, और वो ब्रह्मात्माओं को सबको श्यामा जी ब्रह्मात्माओं को सुख देते हैं, वो कितना देते हैं वो क्या बताएं। तो कहते हैं कि ये अब ये शोभा का वर्णन तो दुनिया में कर रहे हैं ना, तो इतना सुख धामधनी दे रहे हैं तो सुख इन नहरन सो, तो धामधनी इन नहरों के द्वारा ये सुख दे रहे हैं, तो उसका वर्णन आगे समझाएंगे। नहर ये क्या नहर है, तो ये सुख का प्रवाह उमड़ रहा है, तो ये ब्रह्मवाणी है, तो यही इस प्रकार से ब्रह्मवाणी का प्रवाह ही है। धनी फेर फेर तो को देते है आत्मा, तो धाम धनी बार बार तुझे दे रहे हैं, इसलिए इन वचनों को सुन करके
इनको समझ करके अपने अपने दिल में इन बातों को उतार लेना चाहिए और आनंदित होना चाहिए। वो कहना चाह रहे हैं, ये वाणी सब स्वप्न में और स्वप्न में करी से फतेह, ये वाणी स्वप्न में बताई जा रही है, स्वप्नवत जगत में है ब्रह्मवाणी और स्वप्नवत जगत में बताई जा रही है, जो अभी तक ऐसी बातें नहीं हुई थी। स्वप्न में करी से फतेह, तो ये महिमा भी स्वप्न में गाई है। सो क्यों पहुँचे शोभा जुगल को, अक्षराति धामधनी की श्री श्यामा जी और युगल स्वरूप को ये शोभा कैसे पहुँच पाएगी, तो ये बातें उनकी पूरी पूरी बातें तो कैसे बताई जा सकती है, कहने का तात्पर्य है पूरी उनकी शोभा है उस तक तो ये बात पहुँचती नहीं है। स्वप्न कौन निश्व, तो स्वप्न के साथ अखंड का क्या संबंध है, तो इसलिए वो पूरी बातें होती नहीं है। शब्द न पहुंचे शोभान को तो क्यों रहो चुप करा, तो ये शब्द पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तक तो पहुंचते नहीं है, फिर भी आप चुप कैसे रहें। दिल कान जुआ ले चलत हक तरफ बाहें नजर, फिर भी ये दिल है, ये कान है, ये वचन है, वो कहाँ लेकर के चलते हैं, ये दिल है और ये कान श्रवण उनके श्यामा जी के वचनों को सुनने के लिए, राज्य के वचनों को सुनने के लिए, तो इन इसके लिए ये जुआ उधर जाती है। हक तरफ बाएं नजर, तो धामधनी के बाएं तरफ में, मतलब श्री राज्य के बाएं तरफ में श्यामा जी विराजमान है, तो श्यामा जी की शोभा वर्णन करने के लिए बार बार मन होता है, यद्यपि ये शब्द नहीं पहुँचते हैं, ये कहने का एक तरीका है वो काव्यों में अथवा छंदों के द्वारा चौपाइयों के द्वारा व्यक्त करते हैं ना, किसी चीज़ को सीधा सीधा ऐसे गद्य में व्यक्त करते हैं, उस प्रकार से नहीं होता, थोड़े से उसके तरीके अलग प्रकार के होते हैं, तो ये दूसरे तरीके से समझा रहे हैं, तो इस प्रकार से ये अलंकृत भाषा हो जाती है। इति दिन ढांपे रहे कि न कही ना हकीकत, अभी तक तो परमधाम की बात, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की श्यामा जी की बातें अभी तक दुनिया में इस प्रकार से नहीं कही गई है, तो दुनिया में ये बात छिपी रही थी कि न कही ना हकीकत, किसी ने भी ये यथार्थता नहीं समझाई है। जो अजू न बोला था दुनी में तो जाहिर होए ना हक सूरत, यदि अभी भी ना बोला जाए, अजू का तात्पर्य ये समझना होगा, अब भी ना कहें तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप दुनिया में कैसे प्रकट होगा, मतलब कैसे लोगों को पता चलेगा। ये द्वार दुनी में क्यों खोलिए, तो ये परमधाम का द्वार है, दुनिया में कैसे खोल सकते हैं। ये जो गई भाग खेलवत, तो ये बड़ी गूढ़ बातें हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के और श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं की बातें, तो बड़ी गूढ़ है। सो द्वार खोले मैं हुक्मे, तो मैंने ये द्वार खोले हैं, तो ये अक्षराते धामधनी के आदेश से ही, तो वो आदेश करते हैं, तो वो जो ना होने वाला हो तो भी जान असंभव भी वो संभव होता, संभव हो जाता है उनके आदेश से, इसलिए ये सब हुआ है। अर्श बकाह का मार्फत अखंड परमधाम के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान इस प्रकार उनकी आज्ञा से ही बताई जा रही है। दुनिया से ढांपे रहे अर्श बकाए ते दिन, तो परमधाम और परमधाम के दृश्य जो भी हो तो अभी तक दुनिया से छिपे हुए ही थे, तात्पर्य दुर्लभ ही थे, तो ये ज्ञान अभी तक दुर्लभ था, रहता अब अभी ढांपिया जो करे न रु रोशन, तो ये आत्मा प्रकाशित नहीं करते, तो अब भी ये छिप करके रहते हैं, ये रहस्य स्पष्ट नहीं होते। ये खोले बड़ा सुख होता है, होते हैं मेरी रूह और रोहन, ये खोलने पर तो मुझे भी बड़ा सुख होता है, मेरी आत्मा को भी और सुनने वाली आत्माओं को भी बड़ा सुख होगा। इनसे हयाति पावही, इसी से अखंड का अनुभव होगा, 14 तब का त्रैगुण, 14 लोक के लोगों को भी, 14 लोक में जो भी चेतनाएं आई हैं इन सबको भी अखंड का अनुभव इनसे ही होगा। और त्रिगुण का तात्पर्य त्रिगुणाधिपति, जो इसमें मात्र ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, उतना ही नहीं, इसमें क्या है, एक तो प्रजा और दूसरे अधिकारी,
तो ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता सारे अधिकारी है, और बाकी सारे उसमें एक प्रकार से समझें तो प्रजा है, तो दोनों को सुख प्राप्त होगा ये कहना चाह रहे हैं। क्या मत शरत पहुँचे बिना तो ढांपे रहे इतने दिन, तो यही आत्म जागृति का समय नहीं पहुंचा था ना, इसलिए अभी तक ये सारी बातें छिपी रही है। हके आखिर अपने कौल पर किया जाहिर आग रूहन, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपने वचनों के अनुसार तो ये ब्रह्मात्माओं के समक्ष प्रकट कर दिया, इसलिए अब वो जो हमारे द्वारा ये व्यक्त हो रहा है, इसलिए कहते हैं ना धनी ल्याय धामक से वचन सो कहती हूँ प्रकट कर। इस जीवा को शरीर को तो शोभा मिली है, किंतु वचन है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के, इसलिए हमारे द्वारा कोई अच्छी बातें बताई गई है तो हमें इसमें कोई अहंकार होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा है, हम कुछ सीखते हैं जानते हैं तो हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान तो परमात्मा का है, तो उन्होंने उनकी कृपा से प्राप्त हुआ ना, तो उससे तो और ज्यादा विनम्रता आनी चाहिए और ज्यादा खुशी होनी चाहिए, तो ये भाव होना चाहिए। ये जो कहे मैं स्वरूप जुगल किशोर अनूप, मैंने जो ये जुगल स्वरूप के अनूप युगल किशोर के अनूप स्वरूप का वर्णन किया जिसकी उपमा नहीं हो सकती, दय शायदी मोहम्मद रुहाल्ला, इसकी शायदी है ये कतई परंपरा में जो भी ज्ञान देने वाले हैं उन सबको मोहम्मद कहा है, तो उन्होंने भी दिया है, और वहीं पर ये कहा है कि जो यहाँ उसमें तो भारतवर्ष में पूर्वी परंपरा में जिनके द्वारा ज्ञान दिया गया है उन सबको रूहा अल्लाह कहा दिया, वो परमात्मा की आत्मा है ऐसा कह दिया। तो अब मुझे एक तो उस परंपरा में से रसूल और दूसरे तरफ सदगुरु, तो दोनों के वचनों में मुझे इन बातों की साक्षी मिली है, किया जाहिर अर्श स्वरूप, इसके हिसाब से ये साक्षी मैंने जो कुछ जाहिर किया है ये साक्षी मुझे यहाँ पर मिली है। यही लैलत कदर की फजर, इसी को लैलतुल कदर की फजर कहा है, उगया बक्का दिन रोशन, ये अखंड दिन जागृत हो, वो अब उगा मतलब उदय हुआ है। हक खिलवत जाहिर करी अरश पहुंचे हादी मोमिन, तो परमधाम की बातें जाहिर करके परमधाम के जो भी गूढ़ बातें हैं वो स्पष्ट करके तो अब ब्रह्मा आत्माएं और श्यामा जी धाम में ही जागृत होती हैं। महामत कहे अपने रूह को और अरश रूहन, महामती स्वयं को भी और ब्रह्मात्माओं को भी कह रहे हैं इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन, इस सुख में अवगाहन करते हुए सुख के सागर में अवगाहन करते हुए अब अपने परमधाम में जागृत हो जाएं, आओ ऐसा करके सबको आह्वान कर रहे हैं। अभी के प्रसंग को ये रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आओ अपने वतन, आओ अपने वतन, महामत कहे अपनी रूह को, महामत कहे अपनी रूह को, और अरस रोहन इन सुख सागर में झीलते, इन सुख सागर में झीलते, आओ अपने वतन, आओ अपने वतन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री पांच नौतनपुरी धाम की जय। जगद्गुरु आचार्य श्रेष्ठ कृष्णमणि जी महाराज की जय।